क्वेश्चन को एज इट इज टाइप कर दीजिए तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाता है। तो ये एक अप्रोच है, लेकिन इससे हमारा मिनिमम वैल्यू 2√2 आ गई और यहाँ हमने सॉल्व किया कुछ इस तरह से आया। इसको भी सिंपलीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है, इसको और सिंपलीफाई करते तो क्या मिलता, देखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली यहाँ पे ना वो बताया मोर देन इक्वल टू। इक्वल टू कब होता है? जब ए और बी इक्वल हो, है ना। इक्वल टू कब होगा? जब ए और बी इक्वल हो। अगर तुम ये देखना चाहो, क्योंकि इसमें मोर देन इक्वल टू बताया ना, तो इससे वैल्यू ज्यादा होगी। बट ये किस पॉइंट पे ऐसा होगा? ऐसा किस पॉइंट पे होगा? जब ए बी इक्वल होगा। ए बी इक्वल कब होगा? रूट टू। उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वही पॉइंट आएगा मे बी। एनीवे ये हो सकता है आंसर या वो हो सकता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो हमें क्या रहेगा अगला, 58 में क्या है कि 0 से पाई कॉटेक्स डी एक्स। तो आपको यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 0 से पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉटेक्स डी एक्स, ठीक है। तो बताइए जी, तो 0 से पाई में कॉट का ग्राफ पता है आप लोग? कॉट की वैल्यू क्या होती है? कॉट को इंटीजर में ब्रेक करो, कॉट 0 कितना होता है? टैन 0 0, कॉट 0 इंफिनिटी, ठीक है ना। और एक मिनट, कॉट 0 आपका माइनस इंफिनिटी, कॉट कॉट 90 कितना? tan 90 0, सॉरी tan 90 इंफिनिटी, cot 90 0, है ना। cotx का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cotx का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स जी। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो नेगेटिव है, मतलब डिक्रीजिंग टाइप का है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होगा, ये पाई देखिए ये है ना, इसका ग्राफ ये है आपके पास, cot 0 इंफिनिटी, cot पाई भी, तो cot पाई माइनस इंफिनिटी होगा और cot 0 प्लस इंफिनिटी होगा। tan पाई 0 है, tan 0 इज 0, tan 90 प्लस इंफिनिटी, cot 90 इज 0। तो ये cot का ग्राफ है 0 से पाई में, ओके। अब आपको इसको ब्रेक करना है इंटीजर वैल्यूड पे, कि क्योंकि cotx का इंटीजर वैल्यूड पे क्या होगा? नेगेटिव है, क्यों लिखा So let t is equal to cot x, no problem. तो cot x, तो dt कितना हो जाएगा? माइनस cosec स्क्वायर x dx, और यहां से क्या बन जाएगा? फिर आप रखेंगे इसको so box t, और ये आपके पास होगा dx हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, मतलब ये खत्म हो जाएगा। तो इधर आके क्या बन जाएगा? अपॉन cosec अपॉन dx है ना, मुझे तो माइनस sin स्क्वायर dt, जी जी जी, dx आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर t dt। तो यहां मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे हटाना है ना इसको, तो मुझे dt मिलाना है, सो माइनस sin स्क्वायर t dt, ओके। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग कि
टी की वैल्यू कहां से कहां तक बताओ, यहां देखते रहे आप लोग है ना, अभी माइनस साइन स्क्वायर है तो जब जीरो रखोगे तो प्लस इंफिनिटी, पाई रखोगे माइनस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी, तो ये माइनस हटा दोगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया। अब ये बन गया बॉक्स टी साइन स्क्वायर टी डी टी। ओके, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो एक काम करते हैं समेसन, इसको करते हैं के टू के प्लस वन। अगर मैं के टू के प्लस वन ले रहा हूं तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ग्रेटेस्ट यूनिट फंक्शन की, के के इंटू साइन स्क्वायर टी डी टी एंड के फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब ये सॉल्व कीजिए, तो k तो बाहर हो जाएगा, अभी अब साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेट करना है, k फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, k बाहर है, अब आपको इंटीग्रेट करना है k से k प्लस वन। साइन स्क्वायर टी को आप लोग कैसे इंटीग्रेट करते हो, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टी, सॉरी अपॉन टू है ना, टू कॉस स्क्वायर टी एंड डी टी, बताइए इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या आएगा, उसमें आ जाएगा, फिर यहां पे प्रॉब्लम आएगी समेशन खोलने में, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं कर सकते। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट में ट्राई कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हाँ तो फ्रैक्शनल माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉटेक्स, ठीक है, तो उससे ये थोड़ा लंबा, यहां से अगर करेंगे आप जीरो से पाई है तो इसको लिख सकते हैं आप कॉटेक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉटेक्स, ठीक है, आगे ठीक है, कॉट का लॉग साइन एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स हो गया, उसके हिसाब से आ जाएगा, या पहले आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, कॉट माइनस थीटा क्या होता है आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लास ना, तो cos cot माइनस x माइनस cot x, ओके बस वन, तो एक काम करो प्रॉपर्टी लगा लो, प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, ओके प्रॉपर्टी लगा लो इजी रहेगा, इससे फिर इसका कैसे करेंगे आप, इससे कर सकते एक प्रॉपर्टी लगाओ, तो लेट्स से i इज इक्वल टू 0 से पाई बॉक्स ऑफ cot x dx, so i 0 से पाई क्या करेंगे cot पाई माइनस x, cot पाई माइनस x कितना होता है, cot पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव, तो ये आपका माइनस cot x dx, चलो काम हो जाएगा यहां से। अब हाँ आप देखिए, अब इन दोनों को आप, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो ऐड कर दोगे तो 0 से पाई, अब इन दोनों का सम बताओ क्या होता है, बॉक्स x प्लस बॉक्स माइनस x कितना होता है भाई, माइनस वन, पक्का देखिए बस, तो बस यूज कर लो, तो ये हो गया माइनस वन डी एक्स, तो कितना आ गया माइनस पाई, ओ फाइन आसानी से आ गया, टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई, तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, तो माइनस 1.58 अप्रोक्स आएगा, सही है ना, तो ये इजी हो गया, मतलब तो क्या किया हमने, प्रॉपर्टी यूज किया 0 टू a fx dx, तो fx को f ऑफ a माइनस x रखा, तो cot पाई माइनस x, अब इन दोनों को ऐड कर लिया माइनस 1, तो यहां से आ गया, तो ये आसान था, वो बहुत थैंक यू करता हूं, दिस इज इजी, चलो फ्रैक्शन वाले से भी हो सकते हैं वही, एक्चुअली घर पे हम प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है ना, जैसे आप मुझे ही देखो, जैसे ये क्वेश्चन इनिशियली मुझे पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं ऐसे सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, यही चीज आपको भी सीखना है, ऐसा तो नहीं मुझे सब आता है या किसी टीचर को सब आता है, नहीं, या आप में से जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे उसको सब आता है, नहीं, मेन क्या है ट्राई करने का है, अब ट्राई करते हुए राइट अप्रोच दिमाग में आ गया उस टाइम पे तो जल्दी कर लोगे, नहीं तो थोड़ा घूमना पड़ेगा, जैसे आप यहीं पे देखो पहले मैंने क्या किया, मैं पहले ऐसे ट्राई किया है ना, पहले इस तरीके से ट्राई कर रहे थे, फिर दूसरा आइडिया दिया उससे ट्राई किया, फिर तीसरा इससे ट्राई किया, तो अभी तीन अप्रोच हमने ट्राई कर लिए,
अब होगा क्या, जैसे एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैं अगर एग्जाम दे रहा हूँ, मान लो अगर मुझे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर मुझे एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा ना, मुझे पता है कि ये मेथड डायरेक्ट काम करेगी। सेम आपको सीखना है कि आपने बहुत सारे घर पे ट्राई कर रहे हो, मतलब जो ट्राई खुद कर रहा है तो उसको पता है इससे हो सकता है, इससे हो सकता है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन को चार तरीके से ट्राई करते हैं फिर एग्जाम में उसके जैसा ही क्वेश्चन मिल गया उसी कॉन्सेप्ट पे उसी अप्रोच पे, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा, आपको पता है चाहिए ऐसे आसानी से हो जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस तरह से हो जाएगा, तो यही इससे सीखते हैं हम लोग, है ना। तो वैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ आता है, ट्राई करके ही हम भी सीख रहे हैं, आप भी ऐसे सीखोगे। ये अब क्या रह गया, ये 58 था, किसी का रह गया वो क्वेश्चन, 37 हो गया ना प्रियूस, 37, 32 था आपका बचा, 32 क्या रह गया 32 में, सर 940 हो गया है सर। अच्छा गेट का बैच है, ओके 32। चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर गेट का क्लास है अभी, हाँ डाउट क्लास है लगे। तो आपके पास x1 x2 xn दे रखा है, तो 32, तो यहाँ से x1 x2 xn जो है यूनिफॉर्म थीटा माइनस वन टू थीटा प्लस वन है, ओके। तो मतलब ऐसा है कि ईच एक्स आई जो आपके पास है, ईच एक्स आई, तो एक्स आई माइनस थीटा इज यूनिफॉर्म माइनस वन वन, राइट, एक्स आई माइनस थीटा इज हो गया। अच्छा अगर आप ऐसा सोचेंगे तो इसको यूनिफॉर्म जीरो वन में लाना है, तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा ना इसका, ओके। तो पूछ रहा है क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां से हम क्या करते हैं, तो ऐसा डायरेक्ट कोई थ्योरम नहीं है ना, हमें उसके लिए यूनिफॉर्म जीरो वन में ही लाना पड़ेगा। तो यहां जैसे मॉड में एक्स आई माइनस थीटा यूनिफॉर्म जीरो वन हो जाएगा, ओके। और इसका फिर हम मैक्स लेंगे तो बीटा बनेगा, मिल लेंगे बीटा बनेगा, बट यहां आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन क्या होगा, तो किस ऑप्शन में डाउट है आपको, सिंप्लीफाई तो करना है, मतलब तो उसके लिए आप या तो लेंदी अप्रोच कर, सफिशिएंट चेक कर लेंगे आप, सिंपलीफाई के तरीके मेरे मैच नहीं हुए आंसर, नहीं सफिशिएंट और एमएलई तो निकाल सकते हैं आप इजीली, ये निकाला है आपने, और नहीं मैच हुआ तीसरा वाले से मैच नहीं हुआ। अच्छा अगर मैं सफिशिएंट की पहले बात करूं तो यहां से क्या बनेगा, ये यहां से अगर मैं लिखूं पीडीएफ इसका तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन थीटा प्लस 1 माइनस थीटा है ना, तो थीटा थीटा कैंसिल, थीटा प्लस 1 माइनस थीटा देखा 1/2, सो 1/2 हो जाएगा, जहां आपका जो एक्स आई है वो थीटा माइनस 1 से थीटा प्लस 1 है, तो यहां से इसको इसको अलग देखिए आप, तो अलग देखेंगे तो थीटा माइनस 1 लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, थीटा प्लस 1 मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहां से आ गया थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1, थीटा मोर देन इक्वल टू nth order statistics minus 1, तो theta belongs to आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, तो theta की value क्या आ जाएगी, so theta belongs to क्या लिखेंगे आप, nth order statistics minus 1 से first order plus 1। चलिए अब यहां से ये आपका MLE हो गया ना, तो मतलब क्योंकि ये constant है तो पूरा interval MLE है, तो यहां likelihood function जो है वो just 1/2 की power n है, ये पूरा इंटरवल MLE है। अब आप देखिए ये MLE बनेगा क्या, तो ऐसा क्या लेंगे आप, लैम्बडा टी या थीटा कैप बोल देता हूं, थीटा कैप लैम्बडा टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1, 1 माइनस लैम्बडा टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1। अब आप सोचिए ऐसा लैम्बडा क्या पुट करोगे ताकि ऐसा बन जाए, बताओ कोई सजेस्ट करो, तो डिनोमिनेटर में 4 सजेस्ट कर रहा है, या तो 1/4 रखेंगे या 3/4 रखेंगे, अल्दा वी कैन पुट एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1, है ना, लैम्डा यहां 0 से 1 के बीच कुछ भी लिया जा सकता है, सो यू चूज 1/4, तो उससे क्या फायदा होगा, -1 और 1 -1/4 3/4 आ तो गया, यही तो आएगा, 1/4 रख के देखो यही आएगा, चेक करो आएगा कि नहीं, पुट 1/4 पुट करो, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1/4 3/4 हो जाएगा,
ओ लेकिन ये 3 टाइम ही बन रहा है। अच्छा तो 3x1 प्लस 3 बाई 4 ऐसा बनेगा जी। हाँ 3 तो बन नहीं रहा, तो 3 टाइम होना चाहिए। तो ये एमएलई कब होता, जब ये 3 टाइम रहेगा तभी तो बनेगा। देखिए तो यहां से आपके पास आएगा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 2 अपॉन 4, तो ये एमएलई होगा। लेकिन यहां पे 3 होना चाहिए, तो यहां पे 3 आना चाहिए तभी होगा। अदरवाइज कुछ और पुट करेंगे तो आएगा। ठीक और है सर बी वाला भी सही नहीं है। अच्छा बी वाले में चेक करते हैं। चलिए तो हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रखा है, तो बी वाला क्यों सही नहीं है? सर इस थर्ड ऑप्शन के लिए एक अप्रोच है मेरे पास। जी सर इसमें एमएलई निकालना है ना हम लोग। यस 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 तो जैसे एक्स लाई कर रहे थीटा माइनस वन से थीटा प्लस वन है तो हमारा ये एक्स वन और एक्स एन दोनों उसी के बीच में लाई करेगा। मतलब यस आपने जो ये एमएलई का इंटरवल निकाल रखा है ना यस लेफ्ट यस हैंड साइड में बोर्ड पर हाँ एक्स एन माइनस वन से एक्स वन प्लस वन, यस यस तो मैं एक्स वन को 0 मान लेता हूँ यस ओके तो अपर बाउंड आ गया मेरा 0। अब मुझे एक्स एन का कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो 0 से बड़ा हो और अपर बाउंड क्या है मेरा 0 प्लस वन, 1 से छोटा हो। यस ठीक है तो 0 से 1 के बीच में कोई तो मैं एक्स एन को दे देता हूँ, तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ तो अभी मेरा एक्स हो गया 1 बाय एक्स वन हो गया 0, तो अब मेरा मैंने इंटरवल फिक्स कर दिया सर। एक्चुअली अब मेरा एमएलई का जो इंटरवल है ना वो आ रहा है माइनस हाफ से 1। अब मैं ऑप्शन थर्ड है ना उसमें एक्स को 0 कीजिए एक्स एन को 1 बाय 2 पुट कीजिए और देखिए वो माइनस 1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर लाई कर गया तो एमएलई हो जाएगा। बताइए आप चेक करके ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक कीजिए। सर वो क्लियर ना हुआ ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 4। प्लस है ना हर जगह यस यस प्लस प्लस या तो हाफ हाफ 0 2 अपॉन 4 तो 4 प्लस 1 5 बाय 5 बाय 8 आ गया सर, मतलब 62.5 2.65। ठीक है सर हो जाएगा। हो जाएगा स्टेटमेंट ओके एक मिनट इसको मैं चेक करता हूँ यहाँ से। तो अभी हम चेक करें अगर सो वी हैव टू फाइंड सच वैल्यू जहां पे ऐसा हो जाए नहीं यस सर मैंने वो दोनों। आपने जो इंटरवल फाइंड किया ना उसी को मैंने फिक्स कर दिया सर। हाँ वही करना है कि क्या है उस इंटरवल में लाई करेगा, क्वेश्चन ये है। सो इफ विल इट लाई इन द इंटरवल, अगर इसमें लाई करता है देन इट इज एमएलई। सो हाँ दैट वी आप हैव टू क्वाड्रेटिक डिसाइड। कॉम्बिनेशन से कर लेना तो मेरा भी वही अप्रोच है, बस ओके मैंने पहले फिक्स कर दिया। ठीक है देखते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, अगर मैं 1 बाई 2 1 बाई 2 लेता तो क्या बनता? तो वहां से ओके सो अगर आप 1 बाई 2 लेते तो वो कट के वो बीच में आ जाता। हाँ अच्छा अगर 1 बाई 2 ले लेंगे तो यहाँ से बनता x1 प्लस xn अपॉन 2 आता, लेकिन ये जो लिखा हुआ x1 xn अपॉन 4 है तो हाफ टाइम ये किया है एंड देन प्लस 1 बाई 2 ये तो एक्स्ट्रा है। हाँ प्लस 1 बाई क्या 1 बाई 4 एक्स्ट्रा है। एग्जाम 2020 में ना एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रखा है, तो नहीं वो ठीक रिसेंटली पहुंच कर रहा था नहीं तो उसमें तो इससे हो जाएगा। जो भी अब तक क्वेश्चन जैम में आया वो आपका इसमें यू विल फाइंड सम लैम्बडा दैट विल बी इन दिस है ना। तो ये हमने क्या बोला लैम्बडा व्हाट विल बी सच लैम्बडा इफ आई चूज, जैसे 1 बाई 4 रखा हमने तो ये बना, 3 बाई 4 रखेंगे तो 3xn बन जाएगा तो -2 हो जाएगा एंड 2020 में जो आया होगा तो वो इसके थ्रू हो जाएगा। इसमें
यू विल फाइंड वन लैम्डा इन दिस। तो मैं क्या सर्च कर रहा हूं कि ऐसा लैम्डा क्या 0 टू 1 के बीच में जो इसके इक्वल कर दे। और एमएलई एक्चुअली यहां पे जो होगा थ्री बाई फोर रखते हैं तो वो हो जाएगा 3/4, 1/8 इफ यू पुट तो 5/8 4 अच्छा मेन। सो व्हाट यू आर डूइंग कि जस्ट यू आर चेकिंग दिस इज, अगर ऐसा कोई डेटा पॉइंट आ गया जहां भी आउटसाइड इंटरवल हो गया तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक समथिंग लाइक, अच्छा थीटा को 0 रख दिया जैसे आपने मतलब वहां पे मैं ऐसा सोच रहा हूं तो -1 to 1 और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 है और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेट्स से 0 और 1 ले लो। अच्छा विल इट बी कंसिस्टेंट, अच्छा मान लो एमएलई है तो हाउ विल यू प्रूव हिज कंसिस्टेंसी, ये कहां कन्वर्ज करेगी, विल इट कन्वर्ज टू थीटा, बताओ ये कंसिस्टेंट होगा सर? वो मीन और वेट थ्योरम से नहीं, वो तो लंबा करना पड़ेगा। कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी देखे तो यहां से तो मैं इजीली बता सकता हूं कि जैसे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स -1 विल कन्वर्ज इन प्रॉपर्टी टू थीटा है ना, और फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स +1 will converge in property to theta, ठीक। अब इसको उसके हिसाब से फिट करें, अगर हम मैं -1 + 1 कर भी दूं तो कहां जाएगा ये, तो ये पता है कहां कन्वर्ज करेगी, थीटा प्लस 1/2 पे एक्चुअली maybe है ना 1/4 + 1/4 वो भी theta by 2 plus 1/2 पे। so ये actually this is not MLE of theta, this is MLE of this quantity theta by 2 plus 1/2, आप चेक करो एक बारी है ना। so जो options दे रखा है this is the MLE of this quantity theta by 2 plus 1/2, इसका MLE आएगा actually, वो थीटा का एमएलई नहीं होगा जो आप चेक करो ठीक है, बट आई थिंक दिस विल बी द एमएलई जो ये लिखा है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 2/4, दिस क्वांटिटी विल बी एमएलई ऑफ theta/2 + 1/2 क्योंकि एमएलई इज कंसिस्टेंट फॉर द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। सो इफ दिस इज एमएलई दिस हैज टू बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट मींस दिस मस्ट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो यहां पे ये हमारे पास कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। So how will you say that just this quantity can be proved, this will converge into theta, theta check karo ek bari, order stats ka jo support hota hai wo original random variable support equal hota hai, yes 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 ha to main usko violate nahi kar raha, ha 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 main x1 aur xn ki aise support ke according mari hai उसमें लाई कर रहा है, बट डू यू हैव एनी अदर पॉइंट ऐसा कुछ मिल गया जो लाई ना करे तो सो कैन वी फाइंड दैट नहीं होगा फिर, अगर मतलब ऐसा कोई पॉइंट मिल गया जहां पे बिलोंग नहीं कर रहा इंटरवल में सपोर्ट में है ना, हां सपोर्ट में मतलब जो मेरा एमएलई का जो इंटरवल है x1 + x1 उसमें अगर बिलोंग नहीं कर रहा एमएलई में, जैसे अभी यहां पे 2 होता ना तो 2 में ही प्रॉब्लम होता, सो दैट इज द थिंग 2 में होता तो वही प्रॉब्लम होता एमएलई ऑफ, मतलब व्हाट आई थिंक इज एमएलई ऑफ theta/2 + 1/2 नॉट फॉर थीटा, ओके इसको चेक कर सकते हैं। अब देखो एक बार क्या है इसमें, क्योंकि ऐसा हमने जनरली देखा नहीं है कि इसमें हो जाएगा, बट वी कैन थिंक ऑफ नो प्रॉब्लम।
सफिशियंट का जो है हमारे पास जो सफिशियंसी है तो वो तो आ जाएगा ना यहाँ से। ये लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब यहाँ सफिशियंट सफिशियंट तो है वो तो ओके है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन इज 1 बाई थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा लाई बिटवीन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस 1, यही तो है देखिए। हाँ तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, इफ यू फिट दिस इनटू अदर फॉर्म hx इनटू g थीटा कॉमा t तो क्या होगा यहाँ पे, तो t के प्लेस पे यहाँ पे t1 t2 दो वैल्यू आएगी ना, सो दैट t विल बी एक्चुअली जॉइंटली सफिशिएंट x1 एंड xn, यही तो बन रहा है यहाँ पे, दोनों अवेलेबल है ना, यू कैन नॉट सेपरेट इट। तो यहाँ पे थीटा के साथ ये दोनों आएगा ही हमेशा, सो दैट इज सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम, सफिशिएंट तो होगा ये है। बाकी ये दोनों के रहेगा a और d की बात, तो हमें इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से ट्राई करना पड़ेगा तो हो जाएगा। और देखो क्या होगा, यहां से आपको देखना पड़ेगा एक्स आई माइन, ये जो लिखा हुआ है ना ये एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना माइनस nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये फर्स्ट, तो मैं ऐसा कर सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा माइनस में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे सो ये आप देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यू कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इजीली, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इजीली आ कर रिपीट किए थे तो n - 1 / n + 1 आ रहा है। अच्छा ओके, तो यहां से ये हमारे पास आ जाएगा xi - थीटा हो जाएगा यूनिफॉर्म माइनस 1 से 1, और इसके बाद इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का निकालना पड़ेगा, हमें तो पता ही है कि हाउ टू फाइंड पीडीएफ फिर डिफरेंट, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एंड देन मीन निकालना है, जो भी आएगा वही करेक्ट होगा, आपको करके देखना पड़ेगा। बाकी लोग देखो और ये क्वेश्चन आप ग्रुप में भेज दो, सॉल्व करके भेज देंगे, कोई ये जो डाउट फैकल्टी हो भी सॉल्व करके भेज देंगे अगर ग्रुप में भेज। हाँ हाँ जी रुद्रा कुछ कह रहे हैं आप? ठीक है ना, तो इसको जस्ट कैलकुलेशन है, इसमें जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा, जस्ट कैलकुलेशन है। तो अभी यही स्टॉप करते हैं क्योंकि एक डाउट क्लास है अभी 10 to 11, तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं अगर रह गया हो तो, फिर गेट वाले बच्चे भी ज्वाइन करेंगे ना। तो अभी ठीक है 2 मिनट ब्रेक ले लो, उसके बाद में भेज देता हूं ग्रुप में, बोल देता हूं। तो हाँ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ज्वाइन, डाउट क्लास है अभी, तो ये मॉक टेस्ट का नहीं, मॉक टेस्ट का नहीं, ये तो मॉक टेस्ट का था, डाउट क्लास मींस एनीथिंग, सो एनी अदर डाउट्स है ना कहीं पीवाईक्यू में बुक में या कोई और डाउट है तो वी कैन डिस्कस। हां सेम लिंक।